मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था। पहले भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया और भाजपा सरकार के साथ हम जब कांग्रेस सरकार से मिले तो वो बोले कि हमको हमारे चुनाव हमको जिताइए, हम एक साल के अंदर आप लोग को संविलियन कर देंगे। वो आज चौथा साल हो गया सर, अभी तक हम लोगों का कोई संविलियन वगैरह कुछ नहीं किए हैं और हमारे हमसे मिलने के लिए अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमसे मिलते भी नहीं हैं। हम लोग 1345 कर्मचारी हैं जी, पूरे छत्तीसगढ़ में बाल श्रमिक। हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं जो कचरा उठाते हैं, बोतल उठाते हैं, उस बच्चे को बोरा पकड़ के उस बच्चे को हम ला के हर एक एक बच्चे को एक घर से उठा के हम लाए हैं और पढ़ाए हैं। और आज हम देखिए हमारे बच्चे बाल श्रमिक हो गए हैं।